मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार लगातार प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार के इन्हीं प्रमुख वचन में से एक है प्रदेश में गौ संवर्धन और संरक्षण। प्रदेश में 1000 आदर्श गौशालाओं की स्थापना के उद्देश्य से काम कर रहे सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में भी एक गौशाला का शुभारंभ किया, जो गौ संरक्षण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता की प्रतीक है। कमलनाथ सरकार की हर कवायद में उसके वचनों की छाप को आसानी से महसूस किया जा सकता है। सरकार की ऐसी ही एक कवायद देखने को मिली छिंदवाड़ा में, जहां के उमर हर गांव में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आदर्श गौशाला का शुभारंभ कर उसे समाज को समर्पित किया। ये मॉडल गौशाला नाथ सरकार का एक ऐसा नवाचार है, जिसकी झलक मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव के पहले कांग्रेस के वचन पत्र के जरिए जनता को दिखाई थी। गौशालाओं में गौवंश को एक आदर्श माहौल उपलब्ध कराने के साथ साथ उनकी छोटी मोटी जरूरतों का भी ख्याल रखा गया है। सीएम कमलनाथ के गृहनगर के लोग भी सरकार की स्वागत को पाकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया किए मुख्यमंत्री जी ने, पहली बार गौशाला का कार्यक्रम किए खोले हैं। बहुत सी लवारसी गाय जो घूमती थी वो यहाँ सुरक्षित रहेगी, और बहुत अच्छा किए उनने। आज तक कोई सरकार ने ऐसा नहीं की। बिल्कुल वादे पूरे हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा। जो 1000 गौशाला जो अभी वर्तमान में प्रस्तावित हुई है, वो लगभग यह वचन उनका पूर्ण हो रहा है। आदर्श गौशाला के शुभारंभ के मौके पर जहां स्थानीय सांसद नकुलनाथ ने जिले में ऐसी ही 31 गौशालाओं के निर्माण का संकल्प दोहराया, तो वहीं सीएम कमलनाथ भी इसे लेकर काफी खुश नजर आए, जिसकी वानगी न्यूज वर्ल्ड से विशेष चर्चा के दौरान दिखाई दी। गौ सेवा हमारी परंपरा रही है, लेकिन गौ सेवा हमारा कर्तव्य भी है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे छिंदवाड़ा जिले में जो सबसे पहला आदर्श गौशाला बना है वो आपके ग्राम में बना है। गौशाला की हमारा वचन था वचन पत्र में कि हम गौशाला के निर्माण पूरे प्रदेश में करेंगे। आज शुरुआत है, सबसे पहला, बहुत सारे बन गए हैं, पर मैंने तय किया था कि सबसे पहले गौशाला का उद्घाटन मैं छिंदवाड़ा में करूंगा। छिंदवाड़ा में एक गांव विशेष में गौशाला का शुभारंभ उस बदलाव की दिशा में उठाया गया पहला कदम है, जो आने वाले दिनों में एक बड़े परिवर्तन का गवाह बनेगा। ऐसा परिवर्तन जो मध्य प्रदेश को गौ संरक्षण की दिशा में एक आदर्श राज्य के तौर पर स्थापित करेगा। न्यूज़ फॉर डेस्क।